हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने टेस्टिंग हाइपोथेसिस चैप्टर 5 के एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 की थी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। ये सभी क्वेश्चन जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपको 2 मार्क्स में आएंगे। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो आपको 8 मार्क्स में आएंगे। ये क्वेश्चन आपको स्पेक्ट्रम बुक से नहीं मिलेंगे। नाउ इन ए कोरिलेशन कोफिशियंट ऑफ 0.5 सिग्निफिकेंट इफ ऑब्जर्व फ्रॉम ए रैंडम सैंपल ऑफ 12 पेयर्स ऑफ वैल्यूज, मीन्स की एन की वैल्यू कितनी गिवन है 11 और आर कितना गिवन है 0.5 फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन यूज टी टेस्ट। अगर हमें कोरिलेशन कोफिशियंट गिवन होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, आर अपॉन अंडरूट 1 - r² मल्टीप्लाई अंडरूट n-2। फर्स्ट हमने क्या लिखा है, द नल हाइपोथेसिस बी दैट देर इज नो कोरिलेशन और द गिवन कोरिलेशन कोफिशियंट इज नो सिग्निफिकेंट। या तो आप लिख सकते हैं नो कोरिलेशन या लिख सकते हो नॉट सिग्निफिकेंट। नाउ हमने वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व करके कितना आ गया 1.732। इस पेपर में आप सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं होगा। सो आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो सिंपल कैलकुलेटर से करनी है। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, n-2, तो n कितना है हमारा 11, 11-2 इज 9। तो इसकी टेबल वैल्यू चेक करेंगे v इज इक्वल टू 9 पे, ये रही कितनी आ रही हमारी 0.05 पे 2.262। सो यहां पे हमने लिख दी, सो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबुलेटेड वैल्यू से कम है तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज लेस देन द टेबल वैल्यू हैज द गिवन कंडीशन कोरिलेशन कोफिशियंट इज नो सिग्निफिकेंट, मीन्स कि हमारा कौन सा हाइपोथेसिस यूज हुआ है, नल हाइपोथेसिस। ये सभी क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में आएंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है, जिसमें हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।